Hello and welcome guys to my channel. I'm back with one more jewelry haul, and this time it will be Ishita's style. जैसे कि आप लोगों को पता है, Ishita is someone who is doing lives on Facebook as well as YouTube. उनका YouTube channel भी है. I guess the name is Food and Lifestyle with Ishita Sani. तो उनकी लाइफ से मैंने कुछ ज्वेलरीज पहले ऑर्डर की है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है. वो सारी यूजुअली वेस्टर्न ज्वेलरी थी एंड फ्यू हेयर एंड देयर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज थी. दिस टाइम आई हैव कम विथ ह्यूज कलेक्शन दैट आई गॉट फ्रॉम हर ऑन कुंदन पर्ल एंड आर महाराष्ट्रियन ज्वेलरीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first I'll start with the one I am wearing already. This is pearl ka chand bali boli. No, I think jhumka balis. It was costing around 300. Iska pura range hi tha pearl ke earrings ka. Then this was again for 300. Ye 300. Look at the design. Ye usually online मैंने चेक किया था, इवन ऑन मीशो इट वॉज अराउंड 450 और समथिंग. एंड सी दिस इज माई फेवरेट. आई जस्ट ओपन एंड शो. सी दे आर सच बिग इयररिंग्स एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल. एक इयररिंग पहनो और एक ऐसा छोटा सा मंगलसूत्र वगैरह पहनो एंड यू आर रेडी फॉर एनी स्मॉल फंक्शंस. एंड If you want to wear it for a big occasions, then obviously your outfit will be heavy, or heavy outfit, small earring and big choker or something like that, or big earrings and small some mangalsutra or ek chota sa set. ऐसा कुछ है तो फिर you are set for the function. ये mangalsutra भी मैंने उनसे ही purchase किया था. This one and इसके साथ ये मैच करती हुई इयररिंग्स आई थी. दिस वॉज अर्लियर परचेज एंड दिस इज लेटर ऑन, बट समहाउ ये मैच होता हुआ हमको मिल गया. एंड कुंदन और पर्ल के कलेक्शन में नेक्स्ट था ये फिंगर रिंग. दिस फिंगर रिंग दैट आई हैड परचेज फ्रॉम हर. ये इतनी अच्छी लग रही है, इतनी एलिगेंट लग रही है. आई डोंट रिमेंबर इसका प्राइस, बट उनका सब इयरिंग्स का प्राइस वॉज 300. देन आई हैव दिस वन मोर स्मॉल मंगलसूत्र फ्रॉम हर. ये डेली यूज के लिए इतनी बेहतरीन मंगलसूत्र है. यू वेयर यू गो एंड समहाउ आई फील कि ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और somehow बहुत अच्छी भी लगती है. यू डोंट नेसेसरीली नीड टू वेयर वो हैवी मंगलसूत्र एंड ऑन एंड गो. ऑफिस गोइंग या स्कूल में टीचर्स या ऐसा कोई है उनके लिए ऐसे मंगलसूत्र परफेक्ट है कि आप छोटे मोटे इसमें और वेयर करो एंड यू गो इन ट्रेन्स एंड एनीथिंग. कोई ऐसा चला जाए ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है. I'll go to the Maharashtrian collection. Sorry guys. See. ये है वो महाराष्ट्रियन मंगलसूत्र that I was referring to. इतना सुंदर लग रहा है. और ये पर्ल भी वो ऐसे रोड साइड नकली से पर्ल्स नहीं है जो वाइट वाइट दिखते हैं और पता चल जाता है ये तो बाबा रोड का माल है. सी ये एकदम व्हाट डू कॉल अपना पर्ल वाटर पर्ल्स रहता है ना क्रीमिश कलर के, ये वो शेड में है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ये अपनी महाराष्ट्रियन काट पदर की साड़ियाँ रहती है ना उसके साथ व्हेन यू वेयर इट लुक्स रियली ऑसम.
सी अब इस पे तो मैं आपको एग्जैक्टली पूरा कैसे व्यू बताऊं, सी दिस है ना, इट इज लुकिंग गुड। इसके साथ ही इनके पास इसकी इयररिंग्स भी है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का इयररिंग्स के साथ आता है। इयररिंग्स भी क्यूट है, आई डोंट वेयर स्मॉल इयररिंग्स बट इफ यू वेयर देन दिस इज गुड फॉर यू, जस्ट बिकॉज आई डू नॉट वेयर स्मॉल इयररिंग्स, आई हैव मेड माय यू नो जुगाड़ मैंने कर लिया। इनके पास ऐसे पॉल के झुमका टाइप ऑफ इयररिंग्स थे तो आई जस्ट ग्रैब्ड इट कि ये सेम मंगलसूत्र पे आराम से जाते हैं। सी इट इज सो परफेक्ट, कहीं पे भी ये इतना पहनो चले जाओ। आजकल वैसे भी ये सब बहुत ही ट्रेंडिंग है, ये झुमकास भी दे कॉस्ट अराउंड 300। इसका प्राइस इन्होंने यहाँ पे लिखा मेंशन तो नहीं किया, बट इफ़ आई गेट इट समवेयर इन माय व्हाट्सएप चैट और समथिंग आई विल मेंशन, और मैं उनसे पूछ के आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ये दे दूँगी लिंक, क्या बोल रही हूँ प्राइस। देन अगेन ये ऐसे चेंजेबल इयररिंग्स आते हैं ना उसमें, लाइक अभी ये रूबी है, रूबी रेड कलर है, फिर इसमें ग्रीन आता है, ब्लू आता है, ब्लैक आता है, और तीन तीन का आता है। मैंने ब्लैक वाला ऑप्शन लिया है, ब्लू नहीं लिया, आई मीन टू से ग्रीन नहीं लिया क्योंकि ग्रीन वो बड़ा झुमकी में था, सो आई टुक ब्लू ब्लैक एंड रूबी कलर। और जो ग्रीन मैंने बताया है उसमें मैंने रूबी कलर वाला भी लिया है क्योंकि रूबी कलर का मेरे पास वो पर्ल का आता है ना महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं उसको, तनमनी या ऐसा पर्ल का ऐसा लॉन्ग इसके साथ आता है, उसके साथ ये परफेक्ट मैच होता है। देन ऐसा रूबी पिंक में स्मॉल मंगलसूत्र है 18 इंच का, ये भी आई टुक। आई नो वो रिपीटेटिव लग रहा होगा सबके एक जैसा है, बट देन आई एम इन लव विथ पर्ल्स, सबको मेरे पास पर्ल्स की तो बहुत सारी वैरायटीज मिली है, द सेम डिजाइंस एंड डिफरेंट कलर ऑल्सो यू माइट गेट विथ मी। Let me get back. Okay, so the next thing with me is this. ये भी पर्ल का है, इनका ये भी क्या बोलते हैं टसल भी सब पर्ल में है, और ये महाराष्ट्रियन साड़ीज पे तो इट लुक्स रियली ऑसम, एकदम ट्रेडिशनल लुक आता है इसमें से। I hope I am audible because voice तो पूरी तरीके से जा चुकी है। See, this you can wear it like this, like ऐसे भी short wear कर सकते हो, इसको और string tight करके ऊपर भी ले सकते हो ऐसा। See, look how beautiful it looks यार, पर्ल को देख के पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है, एंड आई नो इशिता विल एग्री ऑन दिस। वो बोलते हैं उनका जब वो पर्ल का ज्वेलरी लेने जाते हैं, मैं तो उनके दिमाग में आ ही जाती हूँ कि आई लाइक इट करके, एंड मोस्टली ऐसे होता है 90% 95% रादर वो जो भी पर्ल का लेके आते हैं आई ग्रैब इट देयर एंड देयर। उसमें फिर ये एक कॉम्बिनेशन में था मरून एंड ग्रीन, एंड अगेन
pink and white. मैंने ये सारे combinations ले लिए हैं. As I said, हर combination में मिलेगा मेरे पास. फिर ये nut है. I'm sure सबको पता है nut क्या होता है. इसको ये ऐसा press वाली है. आदत नहीं है. आई होप इट इज लुकिंग गुड. एक्चुअली और ऊपर जाएगी बट मुझे इट इज पेनिंग करंटली. आदत ही नहीं है नथ वत वेयर करने की. तो सी इट लुक्स सो गुड. आई एम इन लव विद ऑल दिस स्टफ यार. इशिता को एक और बार थैंक्स बोलना पड़ेगा इसके लिए. देन आई हैव दिस कांताना और ईयर चेन. या पता नहीं मराठी में क्या बोलते, मैं भूल गई. सी दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग. ये कान के इधर पीछे और ये इधर एक इधर डाल देते ना. इसमें बहुत फेमस होता बाहुबली वाला मूवी में. आई लव दिस पर्ल का. अब मेरे पास सिर्फ पायल नहीं है. आई होप इशिता गेट्स दैट सून. पायल हो गया तो देन आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये भी वैसा ही है कान में लगाने वाला. दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. फिर ये और एक सेट है. आई स्टाइल दिस वन डे. सब ग्रीन वेयर करूँगी, सब पिंक वेयर करूँगी एंड आई शो यू गाइस वन डे. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और सेट में ये लास्ट पीस है. पर्ल का इसके साथ इयर रिंग्स भी है. इतना सिंपल और इतना क्यूट है. ये सब चीज़ पे जा सकता है. आप कोई भी साड़ी पहनो, कोई भी ड्रेस पहनो एंड दिस ब्यूटीफुल सेट. आई रियली लाइक इट. अगेन यू गॉट स्मॉल स्मॉल इयर रिंग्स विद दिस. मेरे कान का प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल चीज़ें इस पर ऐसी हो जाती. सो आई हैव टू वेयर सच हैवी थिंग्स तो वो अच्छी दिखे. बट ये जिनके डेलिकेट डेलिकेट ईयर्स है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है. आई रियली लव इट योर नाइस. ओके एंड लास्ट फ्यू थिंग्स जिसमें बैंगल्स हैं. सारी बैंगल्स ही हैं. तो ये है वो दो कलर, एक ग्रीन एक मरून कलर. यू कैन वेयर इट एज कड़ा या फिर सारे बैंगल्स पहनो तो उसके एंड में एक बार पहन सकते हो. एंड ये पर्ल के बैंगल्स. अगेन पर्ल, ये मेरे पर्ल के हर सेट के साथ जाएंगे. एंड मेरे पास एक सेट ऑलरेडी था, दो सेट मैंने मंगवाया. तो एक हाथ में ऐसे वन बैंगल मतलब पर्ल का बैंगल, फिर थोड़े बैंगल नॉर्मल कलर्ड बैंगल्स, फिर पर्ल, फिर कलर्ड, फिर पर्ल. ऐसा करके पूरा एक बड़ा सेट बन सकता है इसका. इसलिए मैंने दो और मंगा दिए. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये टाइम उनका ज्वेलरी का ये मंथ जो फेब मंथ है इसमें उनको वन ईयर कंप्लीट हो जाएगा. तो उन्होंने कुछ ऑफर्स रखी थी कि मतलब लास्ट लाइव में जिसका सबसे पहले 1000 परचेस हो जाएगा 1000 rupees का, तो उनको वो ये पाउच और एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट करने वाले थे. सो शी गिफ्टेड मी दिस ज्वेलरी सेट नहीं सॉरी ज्वेलरी पीस पाउच, कॉइन पाउच जैसा है. बट यू कैन कीप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन इट. तो ये उन्होंने गिफ्ट किया है. एंड दिस अगेन पर्ल. शी नोज आई लव पर्ल. पर्ल का इयर रिंग गिफ्ट किया है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड यस
that's all for today, and soon we will meet in the next video. Soon we will meet in our next video. Okay, bye, take care, and have a great day.